हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो पहले तो ये जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थ्री स्टेटमेंट्स विच आर डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड द मोशन ऑफ द बॉडी। क्या है ये? तीन स्टेटमेंट्स है जो डिस्क्राइब करते हैं किस किस के बीच में रिलेशन को, कि किसी बॉडी पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है और उसका मोशन क्या होगा। क्लियर है? सो करें स्टार्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थ्री स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग रिलेशन बिटवीन फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड मोशन ऑफ द बॉडी। क्लियर है? क्या है ये? तीन स्टेटमेंट्स है जो डिस्क्राइब करते हैं रिलेशन किस किस के बीच में, कि बॉडी पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है और उसका मोशन कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर सो इम्पोर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो क्लासिकल मैकेनिक्स की नींव है। वैसे भी आप ये समझ के चलो क्या है ये, क्लासिकल मैकेनिक्स की नींव है। दैट्स व्हाई क्लासिकल मैकेनिक्स इज आल्सो नोन एज न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसी की वजह से हम क्लासिकल मैकेनिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। सो क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर इम्पोर्टेंट। आया समझ में? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दे आर फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या है ये? क्लासिकल मैकेनिक्स की नींव है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। दैट्स वाई क्लासिकल मैकेनिक्स also known as Newtonian mechanics. क्लियर है? बेसिक इसका समझ आया आपको कि न्यूटन्स रूल है क्या? तीन स्टेटमेंट्स है जो रिलेशन को डिस्क्राइब करता है कि किसी बॉडी पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है और उसका मोशन कितना होगा। और इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई कि जो आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, आप जो मैकेनिक्स पढ़ रहे हो उसकी नेम है ये, फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। दैट्स व्हाई क्लासिकल मैकेनिक्स इज आल्सो नोन एज न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अंडरलाइन करना, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूटन्स रूल, अपना न्यूटन फर्स्ट रूल स्टार्ट करते हैं कि न्यूटन फर्स्ट रूल है क्या और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। इरेज कर दो ऊपर का। सो फर्स्ट रूल या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नाउ नेक्स्ट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट रूल, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको समझने से पहले हम इनर्शिया को समझते हैं कि इनर्शिया का क्या मतलब होता है। ओके, इनर्शिया है क्या? इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अपोज
एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी. क्या है ये? किसी भी बॉडी का ये प्रॉपर्टी है जो अपोज करता है, किसमें अपोज करता है, कि ये उसके स्टेट में, कि यदि वो रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, यदि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा. तो ये क्या है? एक तरह से लेजीनेस. और ये स्टेट्स कब तक रहेगी या ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दो, नहीं तो वो रुकेगा ही नहीं. रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही बना रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा. समझ आया? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट अपोज चेंज, एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो नाउ इसको डिफाइन कर देते हैं पहले. इनर्शिया, इनर्शिया इज, इनर्शिया, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू, ड्यू टू विच इट अपोजेज, ड्यू टू विच इट अपोजेज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म मोशन. आया समझ में? इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अपोज, अपोज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. नाउ टॉपिक पे आते हैं. टॉपिक इज न्यूटन फर्स्ट रूल, और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं अभी समझ आ जाएगा आपको. इसको इरेज कर रही हूं नीचे का मैं. न्यूटन फर्स्ट लॉ. According to Newton's first law, if an body at rest or moving with uniform velocity in a straight line, it will be remain at rest or moving in a straight line unless no external force act on it. कोई बॉडी यदि रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और कोई बॉडी यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी. कब तक? जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दो. आया समझ में? लाइक मार्कर, यदि ये हाथ पे रखा हुआ है तो ये हाथ पे ही रखा हुआ रहेगा जब तक भी मैं उसको उठा के यूज में ना लूँ. इट मीन कोई बॉडी रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे ही बना रहेगा, और कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहेगा जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर. क्लियर है? सो नाउ स्टेटमेंट क्या है न्यूटन फर्स्ट रूल का? स्टेटमेंट, इफ ए बॉडी एट रेस्ट और moving with uniform velocity, moving with uniform velocity in a straight line, in a straight line, it will be remain at rest, it will be remain at rest or moving with uniform velocity in straight line unless no external force apply on it. समझ आया? कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, यदि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दो. क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल टू आपके पास क्या है? जीरो. क्लियर है? एंड नॉर्मल यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं, बेसिक फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला एफ इक्वल टू कितना होता है? एम ए. वेक्टर साइन ध्यान रखना, फोर्स इज एन वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज आल्सो एन वेक्टर क्वांटिटी. एफ इक्वल टू कितना होता है? एम ए. एम क्या है यहाँ पे? मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी. एंड ए क्या होता है यहाँ पे? एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी. ओके, सो नाउ
आप क्या डिफाइन कर रहे हो, फोर्स इक्वल टू जीरो. इफ एफ इक्वल टू जीरो इट मीन दिस इज इक्वल टू जीरो. ऑब्वियस बॉडी का मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो आप क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो. एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी. एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. इट मीन दिस इज इक्वल टू जीरो. डीवी बाई डी टी इक्वल टू जीरो. फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन यदि जीरो होता है, इट मीन वी या तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, या फिर वी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी. समझ आया, वी यदि जीरो है इट मीन बॉडी एट रेस्ट, वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है इट मीन बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है. क्लियर है? सो मैथमेटिकल एफ इक्वल टू जीरो. इफ एफ इक्वल टू जीरो तो एम इक्वल टू जीरो. दिस इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ फोर्स. ऑब्वियस मास ऑफ पार्टिकल तो जीरो नहीं होगा, तो ए इक्वल टू कितना होगा, जीरो. ए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. और ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो किसका होता है, यदि वो क्वांटिटी तो कॉन्स्टेंट हो, या फिर इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो, जीरो. और यदि ये जीरो है इट मीन बॉडी क्या होगा, रेस्ट पे. और यदि ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है इट मीन बॉडी मूव कर रहा है विद कॉन्स्टेंट या फिर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. आया समझ में? नाउ यदि हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे. सो डेली लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे रखे हुए हैं वो सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल है. यानी नॉर्मल लैंग्वेज हम बोले ए एग्जाम्पल नंबर इज वन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन ए प्लेन सरफेस. जो भी ऑब्जेक्ट प्लेन सरफेस पे रखे हुए हैं वो सभी क्या है, रेस्ट पे है. तो वो भी क्या है, इसका एग्जाम्पल. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सेकेंड एग्जाम्पल ब्रेक्स अप्लाइड बाय ए बस ड्राइवर अब्रप्टली. बस ड्राइवर के थ्रू अचानक से ब्रेक अप्लाई करना, ये भी क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है. नॉर्मल बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, बट यदि उसको स्टॉप करना है तो बस ड्राइवर क्या करेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा. तो वो ब्रेक क्या है, एज ए एक्सटर्नल फोर्स की तरह वर्क कर रहा है. सो बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. नाउ एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं. नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत छोटा सा. आई हैव एन ए ग्लास एंड पेपर. नॉर्मल जो पेपर होता है वो पेपर है और कॉइन. इन द फर्स्ट सिचुएशन कॉइन इज प्लेस्ड ऑन ए पेपर. जो कॉइन है वो कहाँ रखा हुआ है, पेपर पे रखा हुआ है. इट मीन आप यदि यहाँ पे कॉइन की सिचुएशन को डिफाइन करोगे, उसके स्टेट को डिफाइन करोगे, तो आप क्या बोलोगे, कॉइन एट रेस्ट. कॉइन कहाँ है, रेस्ट पे है. क्यों, बिकॉज इनर्शिया ऑफ कॉइन इज मेंटेन इस स्टेट ऑफ रेस्ट. जो इनर्शिया है कॉइन का वो क्या कर रहा है, इसकी रेस्ट की स्टेट को मेंटेन कर रहा है. इफ आई पुल्ड द पेपर, करते हैं देखो, यदि हम इसको पुल करते हैं तो क्या होता है, इफ आई पुल्ड द पेपर. सो नाउ यदि मैं इसको पुल्ड करती हूं, इफ आई पुल्ड व्हाट हैपन, कॉइन फॉल डाउन इनटू द ग्लास ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, सो इसके थ्रू भी हम नॉर्मल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं. ओके, नाउ स्टार्ट करें न्यूटन सेकेंड लॉ. आई होप न्यूटन फर्स्ट लॉ क्लियर है. ओके, नाउ नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है न्यूटन्स सेकेंड लॉ, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन. व्हाई, देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है. The acceleration of an object is depends on two variable. किसी भी object का जो acceleration है वो two variable पे depend करता है. One is mass of object and second is net force acting on a object. Clear है?
सो स्टेटमेंट लिखे, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन टू वेरिएबल्स. वो टू वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द सेकेंड इज या बी पार्ट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट पे कितना नेट फोर्स एक्ट कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा. ओके, नाउ मैथमेटिकल देखते हैं एक बार इसको कि इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होगा. नाउ बेसिक फॉर्मूला पे आते हैं. एफ इक्वल टू कितना होता है? एम क्या है यहाँ पे? मास ऑफ ऑब्जेक्ट. और ए यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. और एफ यहाँ पे क्या है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी. सो नाउ एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है. एक्सेलरेशन को डिफाइन करो तो एम क्या होगा? इसके डिनोमिनेटर में आएगा. सो एफ नेट इज डिवाइड बाय एम. सो यहां से आप क्या डिफाइन कर रहे हो? एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल. वन इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट. सो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ नेट के. एंड द सेकेंड इज द एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट. इट इज ऑल्सो डिफाइंड बाय न्यूटन सेकेंड लॉ को. देखो न्यूटन सेकेंड लॉ का हम और कैसे डिफाइन करते हैं? द फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम. न्यूटन सेकेंड लॉ को आप इस तरह से भी डिफाइन करते हो और न्यूटन सेकेंड लॉ को आप इस तरह से भी डिफाइन करते हो. द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ नेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लियर है? सो नाउ अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक इमेज बना रही हूँ. उस इमेज को देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि हाँ कि न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है. ओके, तो उसके लिए मुझे ये इरेज करना होगा. तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ एक बार. देखो किसका इमेज बना रही हूँ मैं? न्यूटन सेकेंड लॉ के एग्जाम्पल का. देखना एक बार, ये ग्राउंड है. ग्राउंड में अर्थ है. ओके, ये स्टोन है. यहाँ पे स्टोन रखे. अगेन सिमिलरली ये ग्राउंड है. यहाँ पे लार्ज साइज स्टोन रखे हैं. ओके, यहाँ पे टू पर्सन है ए एंड बी. और यहाँ पे थ्री पर्सन है ए बी एंड सी. ओके, नाउ ए बी सी बोलता है व्हाई इट इज इजी टू मूव दिस स्टोन. व्हाई इट इज इजी टू मूव दिस स्टोन. इस स्टोन को यहां से मूव करना इजी क्यों है? अगेन सिमिलरली यहां पे ए बी और सी से बोलता है व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू मूव दिस स्टोन. सो वाई? बिकॉज यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हो? स्मॉल साइज स्टोन की. छोटे छोटे स्टोन्स है, ओबियस बहुत ईजी होता है उनको वहाँ से शिफ्ट करना, वहाँ से उठाना. क्यों? इसका मास कम है तो इनको फोर्स यहाँ पे कम अप्लाई करना पड़ेगा. नाउ इसकी बात करें, लार्ज स्टोन है, मास क्या है? हेवियर है. हेवियर मास को शिफ्ट करने के लिए इनको क्या करना होगा? ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा. ओके, आया कॉन्सेप्ट समझ में दोनों इमेज से? दैट्स वाई इट इज इजी टू मूव एंड दैट्स वाई इट इज डिफिकल्ट टू मूव. क्लियर है? नाउ हम एक अनोदर एग्जाम्पल की बात करते हैं. क्रिकेट मैच तो सब लोग देखते हैं ना. क्रिकेट मैच में जो बैट है उसके थ्रू हम जो बॉल को किक करते हैं, जो क्रिकेट मैच में जो बॉल यूज में ली जाती है, यदि हम उसको किक करते हैं तो वो हाईली एक्सेलरेटेड होती है. ओके, हाईली एक्सेलरेटेड होती है, बहुत फास्ट स्पीड से वो मूव करती है. बट उस बॉल की जगह अब आप उसी बैट से एक फुटबॉल को किक करना और देखना कि वो कितना एक्सेलरेट होगी.
समझ आया? करना इसको एक बार कि आप एक तो नॉर्मल बॉल को किक कर रहे हो तो हाईली एक्सेलरेटेड होगी, और एक फुटबॉल को उसी पेट से किक करोगे तो उसका एक्सेलरेशन बहुत कम होगा। तो आई थिंक अब तो आपको इतना इजी एग्जांपल है न्यूटन सेकंड लॉ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर है? नाउ अब स्टार्ट करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। कर दो इसको इरेज। न्यूटन्स थर्ड लॉ या फिर हम इसको बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। आया समझ में? सो इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? एवरी एक्शन देयर इज एन रिएक्शन इन इक्वल अमाउंट एंड अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एवरी एक्शन रिएक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल अमाउंट में। फॉर एवरी एक्शन देयर एंड रिएक्शन इन इक्वल अमाउंट एंड अपोजिट डायरेक्शन। एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? नॉर्मल स्प्रिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। स्प्रिंग को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंप्रेस करते हैं, उसका रिएक्शन क्या होता है? अपवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्मल गन का एग्जाम्पल लेते हैं। गन का रिएक्शन पता है ना क्या होता है? ये रही आपकी गन। ओके, जो बुलेट का डायरेक्शन है वो इस साइड है। जो एक्शन है वो किस साइड एक्ट हो रहा है? राइट हैंड साइड। एक्शन की डायरेक्शन क्या है? राइट हैंड साइड। तो इसका रिएक्शन कहाँ होगा? जस्ट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट इट मीन लेफ्ट हैंड साइड। और क्या एक्शन होता है देखो यहाँ पे? एक्सेलरेशन फोर्स ऑन ए बुलेट। जो एक्सेलरेशन फोर्स एक्ट हो रहा है वो किस चीज को शो कर रहा है? बुलेट पे एक्शन को शो कर रहा है। और इसका रिएक्शन क्या होगा? गन फोर्स ऑन ए गन, जस्ट इक्वल अमाउंट में, बट डायरेक्शन क्या होगी इसकी? जस्ट अपोजिट होगी। क्लियर है? सो इस तरह से न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन देयर इज एन रिएक्शन इन इक्वल अमाउंट एंड अपोजिट डायरेक्शन में। सो बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टडी किया है। जल्दी से हम रिपीट कर लेते हैं, फटाफट से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट, न्यूटन्स लॉ क्या है? थ्री स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का क्या है? ये फाउंडेशन है, उसकी नींव है। दैट्स व्हाई क्लासिकल मैकेनिक्स इज ऑल्सो नोन एज न्यूटोनियन मैकेनिक्स। उसके बाद हमने स्टडी किया न्यूटन्स रूल्स का। फर्स्ट रूल कौन सा है? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का क्या मतलब होता है? किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करती है एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। और स्टेटमेंट की हम बात करें तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है? इफ एन बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी रिमेन एट रेस्ट और मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। और एग्जाम्पल्स की बात करें तो नॉर्मल एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन ए प्लेन सर्फेस। ओके, एंड द सेकेंड रूल कौन सा है? सेकेंड रूल को हम और क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड फोर्स। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल, वन इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। और बेसिक फॉर्मूला हमने देखा था ए इक्वल टू क्या होता है? बाय एम। एग्जाम्पल्स, नॉर्मल क्रिकेट मैच का देख लो आप। बैट से यदि क्रिकेट बॉल की बॉल को किक करते हैं तो वह हाईली एक्सेलरेट होती है, और उसी बैट से आप यदि फुटबॉल को किक करोगे तो उसका एक्सेलरेशन बहुत कम होगा। एंड थर्ड रूल इज एवरी एक्शन हैज एन रिएक्शन इन इक्वल अमाउंट एंड अपोजिट डायरेक्शन। और एग्जाम्पल्स, गन का एग्जाम्पल हो गया या स्प्रिंग का एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से आज के लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ का स्टडी किया है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, हम उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे और अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके,
यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने क्लासमेट से, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।